हे गाइस, दिस इज मोहम्मद शुएब बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग द डिटेल नोटिस। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीओ से रिगार्डिंग क्या वो ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन एनी ऑफ द आईसीओ। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी जो आईसीओ से रिगार्डिंग हमने किया था कि उसमें आप किसी भी आईसीओ में हमें क्या क्या चीजें हैं जो देखनी चाहिए जिससे हम ह्यूज प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कड़वे सच जो आईसीओ से रिलेटेड हैं। तो बहुत सारे आईसीओ का इस टाइम रिक्वेस्ट है हमारे व्यूअर्स की तरफ से कि भाई डिफरेंट डिफरेंट आईसीओ हैं जो वो चाहते हैं कि हम कवर करें, लेकिन इतना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है तो बिल्कुल लाजमी सी बात है कि नई नई रिक्वेस्ट आनी है, लेकिन जितना भी हमसे पॉसिबल होता है हम उतने आईसीओ आपके लिए कवर करेंगे। एंड शुरू करने से पहले बस मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल बटन को भी क्लिक करें ताकि आप हमारी तरफ से कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें मालूम होनी चाहिए किसी भी आईसीओ के रिगार्डिंग कि भाई आईसीओ क्या होता है, तो आई गेस सबको आपको मालूम है कि आईसीओ है। मैं उसको रिलेट करता हूँ आईपीओ से एंड किक स्टार्टर से। तो आईपीओ बेसिकली क्या होता था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती थी जिसमें कंपनी जो है अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करती थी, सेल आउट करती थी, एक कंपनी कुछ स्टैंड अप करती थी और फिर उसके बाद कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर वगैरह कराने के बाद अपना आईपीओ लॉन्च करती थी। मतलब एक पर्टिकुलर पूरा क्राइटेरिया होता था। किक स्टार्टर में क्या होता था कि भाई एक आप अपना आइडिया लॉन्च डालते थे किक स्टार्टर के प्लेटफॉर्म पे, क्राउड फंडिंग एक प्लेटफॉर्म है था वो, एंड जिस पर आप लोग आपका आइडिया को देखते थे। अगर उनके आपको आइडिया में पोटेंशियल नज़र आता था तो वहाँ आपको USDs में वो ऑफकोर्स आपको क्या देते थे, फंडिंग देते थे जिसको आप अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते थे। नाउ ICO का सिमिलर है, तो दोनों को अगर हम मिक्स कर दें तो एक ICO बन जाता है। यानी मतलब अभी जो ICO लॉन्च होता है वो एक टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा या किसी कंसेप्ट के ऊपर होगा जो अभी बना नहीं है। सबसे पहली चीज़ मतलब लॉन्च होने से पहले, किसी भी प्रोजेक्ट के लॉन्च होने से पहले ICO निकाला जाता है क्राउड फंडिंग के लिए। तो ये आई गेस आप समझ गए होंगे कि भाई किक स्टार्टर प्लस आईपीओ क्या हो रहा है कि अभी प्रोजेक्ट जो है या प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में नहीं है, लेकिन उसको लॉन्च करने के लिए क्राउड फंड चाहिए जिसके लिए एक वर्चुअल प्रोजेक्ट मार्केट में निकाला। तो आईपीओज में एक्चुअल प्रोजेक्ट बेचा जाता था, यहां पे एक वर्चुअल प्रोजेक्ट यानी मतलब एक वर्चुअल प्रोडक्ट कह सकते हैं जिसको हम टोकन कह सकते हैं या कॉइन कहते हैं, वो हम यहां पे निकाल रहे हैं, उसको बेच रहे हैं और वो जो पैसा आ रहा है उसको कंपनी जो लगाती है वो अपनी टेक्नोलॉजी में लगाती है। अब सबसे पहली चीज जो हमें मालूम होनी चाहिए आईसीओ के बारे में, दैट इज कि 90-95% ऑफ द आईसीओ जो अभी मार्केट में है वो स्कैम है। 5-10% जो बचे वो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, और टेक्नोलॉजी कंपनीज के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि 80% ऑफ द टेक्नोलॉजी जो जो स्टार्टअप्स हैं वो फेल हो जाते हैं इन द वेरी फर्स्ट 2 ईयर्स, और बाकी के जो 20% बचे उसमें से भी अगले एक दो साल में 10% फेल हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या बचता है, 10% ऑफ द स्टार्टअप जो है वो मार्केट में सस्टेन कर पाते हैं, रिमेन बच पाते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। ये ट्रेडिशनल सिस्टम की भी बात करें तो बिल्कुल अपना जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको भी अगर आप देखें कि भाई आपका एक आइडिया होता था और एक स्टार्टअप का आइडिया होता था, एक टीम होती थी और आप जो इन्वेस्टर्स हैं उनके सामने जाके पिच करते थे कि भाई हमारे आइडिया में इन्वेस्ट करिए, और इन्वेस्टर्स वहाँ पे मतलब अगर उनको पोटेंशियल नज़र आता था तो वो वहाँ पर पैसा लगाते थे मतलब इन एक्सचेंज ऑफ सम इक्विटी शेयर्स। तो उसके बाद क्या होता था कि वो स्टार्टअप लॉन्च किया जाता था, तो ज़रूरी नहीं था कि सारे सक्सेसफुल होते थे। हम जानते भी हैं कि कितने स्टार्टअप्स आए मार्केट में टेक्नोलॉजी के अंदर और कितने सारे फ्लॉप हुए, मतलब 80% ऑफ देम मैंने जो कहा कि वो फेल हो जाते हैं इन वेरी फर्स्ट टू ईयर्स, बाकी के मतलब लास्ट में 10% ही बचते हैं इन एंड ऑल। तो आईसीओ में इन्वेस्ट करने से पहले अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई किसी आईसीओ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल ही गलत है। ठीक, सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना चाहिए जो हमारा दूसरा वीडियो है, हमने बताया कि क्या क्या देखना चाहिए। उसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि वो आईसीओ क्या मतलब जो टेक्नोलॉजी फील्ड में जो आईसीओ है क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, समझ गए। तो ज़रूरी नहीं है जिस आईसीओ में आपने लगाया वह कामयाब होगा ही होगा, चाहे वो स्कैम हो या ना हो। तो दूसरी चीज़ जो है कि आपको लगता है कि आपकी बहुत अच्छी डील मिल रही है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पे आईसीओ से पहले प्री आईसीओ लॉन्च कराया जाता है, प्री आईसीओ लॉन्च कराया जाता है। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है, तो जो टेक्निकल कंपनीज हैं जो क्राउड फंड ये इकट्ठा करना चाह रहे हैं, ये चाहते हैं जल्द से जल्द फंड्स मिले। तो यानी मतलब एक काइंड ऑफ अ लालच दिया जा रहा है कि भाई प्री आईसीओ में लोगे तो आपको इतना सस्ता मिलेगा। उस फंड को जो आपने दिया वो कंपनी किस चीज़ में यूज़ कर रही है, मार्केटिंग में यूज़ कर रही है ताकि उनका जो प्री आईसीओ है वो ज़्यादा कामयाब हो।
प्री आईसीओ के फंड को वो यूज करिए ताकि जो उनका आईसीओ है वो उससे ज्यादा कामयाब हो, और आईसीओ में जो फंड इकट्ठे हो रहे हैं कंपनी ये सोच रही है कि उसको इतना मार्केटिंग में लगाया जाए कि लॉन्च के टाइम पे जो कॉइन के जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाए ताकि उसकी उस टाइम जो है वो डिमांड जो है वो बढ़ जाए। तो ये सारे हमारे मार्केटिंग के स्ट्रेटजी है, तो किसी भी कॉइन को आके उनकी मार्केटिंग टीम्स ये करती हैं। बहुत सारे कॉइन्स हैं ऐसे, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी कर रहे हैं आज की डेट में। अगर हम बात करें, एक एग्जांपल मैं दे लेता हूँ इलेक्ट्रॉनियम का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनियम ने सबसे बड़ा ये चीज़ खेली कि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इतना स्ट्रांग कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रांग मार्केटिंग टीम डाली और एक बहुत अच्छा प्री आईसीओ था, फिर आईसीओ उनका रहा। उस पैसे को इतना मार्केटिंग में खर्च किया गया ताकि पूरा जो इंटरनेट वगैरह है पूरा कवर कर लिया कि भाई इलेक्ट्रॉनियम है, तो हर किसी को ये लगा नहीं यार इलेक्ट्रॉनियम के आईसीओ में हमने अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया तो ठीक है, हम तो मतलब करोड़पति बन जाएंगे रातों रात जैसे वो हमारा किसी भी एक्सचेंज पर लॉन्च होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आजकल सारे कॉइन्स कर रहे हैं। फिर पॉइंट नंबर 3 कि जब भी कोई एक्सचेंज मतलब जो आईसीओ है जब वो कॉइन एक्सचेंज पे हिट करता है तो उसके बीच में काफ़ी टाइम होता है, यानी मतलब जब आपने प्री आईसीओ खरीदा तो आपको बहुत लंबा टाइम वेट करना पड़ा, या जब आपने आईसीओ में इन्वेस्ट किया उसके बाद और जब वो एक्सचेंजेस पे लॉन्च हुआ तो वो बहुत लंबा गैप है। तो अगर आपके पास इतना पेशेंस है कि भाई आपने उतना लगाकर आप वेट कर सकते हैं तो ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। कभी कभी 3 महीने भी लग जाते हैं, कभी कभी 6 महीने भी लग जाते हैं, तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। कल को ऐसा ना हो कि आप किसी आईसीओ में इन्वेस्ट करें और आपको लगे यार मेरे फंड्स गए, नहीं टाइम लगता है, वो स्कैम नहीं भी है तब भी टाइम लगता है। उसके बाद जब वो हिट करता है ठीक है, तो प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने आईसीओ किसी का मिस कर दिया है तो प्लीज़ ये कोशिश ना करें कि जैसे ही वो लॉन्च हो रहा है तब आप खरीदें, बिकॉज बंदा क्या सोचता है कि यार मैंने प्री आईसीओ मिस कर दिया, आईसीओ मिस कर दिया, चलो जैसे ही नेटवर्क पे हिट करेगा मैं खरीद लूंगा क्योंकि उसके प्राइसेस जो है वो ऊपर जाने। तो देखिए किसी भी कॉइन का पैटर्न जिन्होंने आईसीओ लॉन्च करे उनके पैटर्न आप देख लें, तो जैसे ही नेटवर्क को हिट करता है कोई भी कॉइन उसके जो प्राइसेज हैं वो पॉप जाते हैं, पूरा ऊपर तक जाते हैं। चाहे आप जी कैश की बात कर लें, चाहे आप मोनेरो की बात कर लें, किसी भी कॉइन की आप बात कर लें, उनके अगर चार्ट को आप आज उठा कर देखें तो जैसे ही नेटवर्क को हिट करेगा कुछ दिन वो ऊपर जाएगा और फिर एक सडन मतलब एक डिप होती है, बहुत बड़ी एक डिप देखने को मिलती है। हर कॉइन में आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये पैटर्न देखने को मिल जाएगा कि जैसे ही वो आया मार्केट में ऊपर गया फिर एकदम नीचे चला जाता है, और जो इन्वेस्टर जिन्होंने ऊपर खरीदा होता है उनका काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो ये चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि भाई अगर आपने आईसीओ मिस करा है तो नेटवर्क पे लॉन्च होते के साथ ही आप उसे ना खरीदें, वेट फॉर सम टाइम, उसे देखने दें कि भाई मार्केट में वो कितना स्टेबल है और फिर जाके खरीदें। तो आई गेस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ आ गई होंगी किसी आईसीओ से रिगार्डिंग कि क्या आईसीओ चल रहे हैं, स्कैम चल रहे हैं, कितने आईसीओ चल रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारी वीडियोस आपको देखने मिलेंगी आईसीओ से रिगार्डिंग, हम भी आईसीओ से रिगार्डिंग कवर करते हैं, तो आप उसको पहले जज नहीं कर सकते कि यार कल को जाके ये आईसीओ स्कैम हो जाएगा या नहीं, कोई भी जज नहीं कर सकता। इनफैक्ट बहुत सारी कुछ हिंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं कि भाई जिसमें कोई कंसेप्ट नहीं है हम उसमें इन्वेस्ट ही क्यों करें, जिस आईसीओ में कोई कंसेप्ट नहीं है हम उस आईसीओ में इन्वेस्ट क्यों करें। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे जो ज़्यादा लालच देते हैं कि हम इतना परसेंट रिटर्न देंगे या इतना परसेंट रिटर्न देंगे, वो मोस्टली मुझे डाउटफुल लगते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि सारे लैंडिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं जितने लैंडिंग रिलेटेड कॉइन्स आ रहे हैं वो सारे के सारे मतलब फेक हैं या स्कैम है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कुछ उनमें से ज़रूर हो सकते हैं, कुछ ऑफकोर्स उनमें से जेन्युइन हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, ये आपको खुद डिसाइड करना है, आफ्टरऑल आपका पैसा है, आपका हार्ड अर्न मनी है। बहुत सारे हमारे कमेंट्स आते हैं हमें कि सर हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया और हमारा ऐसे ऐसे स्कैम हो गया और ये हो गया, तो प्लीज़ सर यार आप इन्वेस्ट करने से पहले देखें ना, कोई अगर आपसे कोई यूट्यूबर आपसे कह रहा है कि इसमें पैसा लगा दो तो आप ऐसे आंख बंद करके लगा दोगे क्या? तो प्लीज़ ऐसा मत करो। जो लास्ट कमेंट अभी हमारे देखने को आपको मिला होगा तो प्लीज़ 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 2-4 कमेंट्स हमें इस टाइप के आ चुके हैं, तो मैं यही आपसे हाथ जोड़ के कहूँगा कि कोई भी यूट्यूबर अगर आपसे ये कह रहा है कि नहीं जी इसमें आँख बंद करके लगा तो प्लीज़ आप उसमें ऐसे मत लगाइए। आप अपना एनालिसिस करिए, आप देखिए कि कहाँ से कोई आपको कितना रिटर्न दे सकता है, तो वही चीज़ें आपको देखनी है। और यही आप सोचिए कि भाई आप को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्या उस कॉइन की टेक्नोलॉजी है। हमने इतने सारे वीडियोस करें कि भाई क्या क्या देखना चाहिए, करना चाहिए, और हर
टेक्नोलॉजी को हम समझाने की कोशिश करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स की, तो आप वहां से एनालिसिस लगाइए कि क्या आगे जाके इस टेक्नोलॉजी में दम है या नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया है कि चाहे टेक्नोलॉजी में दम भी हो लेकिन फिर भी 80% चांसेस हैं कि वो फ्लॉप भी हो सकता है, कि मार्केट में उस टाइप से वो अपना जो एग्जीक्यूशन है वो ना कर पाए। ज़रूरी नहीं है कि आपने जिसमें अगर चाहे एक सही आईसीओ में भी पैसा लगाया तो वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो आई गेस पूरी तरीके से आपको ये समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल आज के लिए थैंक यू।